इसरो का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, आरएलवी ने तोड़े रिकॉर्ड, चीन छोड़िए अमेरिका भी हुआ पीछे, इसरो करने वाला है महाप्रयोग, होगी आरएलवी की लैंडिंग, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर। वहीं यूएनजीए में फिर रूस के खिलाफ हुई वोटिंग, लेकिन इस बार भारत ने नहीं दिया साथ। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया के अंतरिक्ष मिशन को लेकर बहुत ही खास जगह बनाई है। पिछले कई दशकों से इसरो ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिससे वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में इसरो ने एक और कामयाबी अपने नाम की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल बनाने में जुटे हुए हैं। अब इस लॉन्च व्हीकल के पहले लैंडिंग प्रयोग के लिए इसरो तैयार है। ऐसे लॉन्च व्हीकल को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि RLVTD कहते हैं। कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाने से हर स्पेस लॉन्च और उड़ान पर कम खर्चा होगा। इस तकनीक से इसरो को और क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे इसरो के अलावा और कौन से देश इस तकनीक को काम में लेते हैं। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत के दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के इंजन का टेस्ट साल 2006 में शुरू किया गया था। साल 2012 से इसे RLVTD नाम मिला। इसके उद्देश्य कई तरह के पहलुओं की जांच करना है जिसमें हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटो लैंड, शक्ति युक्त क्रूज उड़ान जैसे मिशन शामिल थे। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग, लैंडिंग प्रयोग, वापसी उड़ान प्रयोग और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रयोग की योजना शामिल थी। साल 2016 की 23 मई की तारीख को HEX प्रयोग किया गया जिसमें पूरी सफलता मिली। RLVTD को 750 इंजीनियरों की टीम ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर विकसित किया है। फिलहाल अमेरिकी कंपनी SpaceX ने रीयूजेबल रॉकेट का संपूर्ण सफल परीक्षण किया। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ने पहली बार इस्तेमाल किए जा चुके Falcon 9 रॉकेट को दोबारा लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। इस कदम को स्पेस लॉन्चिंग की लागत कम और स्पीड तेज करने के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया। Falcon 9 ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट में स्थापित करने में मदद की। रॉकेट अपने साथ सैटेलाइट SES-10 को भी ले गया था जो कि उड़ान के 32 मिनट के बाद रॉकेट से अलग हो गया। वहीं अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि RLVTD के पहले रनवे लैंडिंग प्रयोग के लिए तैयार है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। वहीं छोड़े जाने के बाद RLV उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास रक्षा विभाग के एक क्षेत्र में लैंडिंग गियर के साथ स्वतः ही उतरेगा। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि लैंडिंग गियर, पैराशूट, हुक विम्ब असेंबली, रेडार ऑल्टीमेटर और SU डोलाइट जैसी नई प्रणालियां विकसित की गई हैं। कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाने से हर स्पेस लॉन्च और उड़ान पर कम खर्चा होगा जिससे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को मजबूत आधार मिल सकेगा। इस तकनीक के विकास का मकसद स्पेस से जुड़े कमर्शियल पहलुओं पर पकड़ मजबूत बनाना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहले ही कह चुके हैं कि रीयूजेबल व्हीकल सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक क्षेत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये प्रक्षेपण की कीमत $20,000 प्रति किलोग्राम है। इसे $5,000 तक लाने की दिशा में इसरो काम कर रहा है। इसरो के पास अभी 2 तरह के लॉन्च व्हीकल हैं। भारत काफी सालों से अपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अपने कंज्यूमर सैटेलाइट प्रोजेक्टेड करता रहा है। इससे पहले इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा था कि इसरो आने वाले सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे लेटेस्ट तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम S को भारत से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने यह घोषणा की। स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है जिसमें 3 उपभोक्ता पेलोड होंगे और इसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से प्रोजेक्टेड किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस के CEO
और को फाउंडर पवन कुमार चंदा ने कहा कि अधिकारियों ने लॉन्चिंग के लिए 12 नवंबर से 16 नवंबर की संभावित अवधि बताई है। अंतिम तारीख मौसम के हालात के हिसाब से तय की जाएगी। इस मिशन के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट को लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बन सकती है। इस तरह 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद एक नई शुरुआत होगी। स्काई रूट के रॉकेट का नाम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष मिशन को लेकर एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। इसी के तहत भारत 2035 तक अपना खुद का एक नया स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उद्योग जगत के सामने अपना एक प्लान पेश किया। इसरो भारी भरकम पेलोड ऑर्बिट में स्थापित करने और दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बनाने की कोशिश में है। ऐसे रॉकेट को अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV कहा गया है। NGLV ग्रीन फ्यूल से चलने वाला 3 स्तर वाला रॉकेट हो सकता है, जिसमें मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन या केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमनाथ द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन में पेश किए गए प्लान के मुताबिक NGLV दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वरूप में $1900 प्रति किलोग्राम की लागत में उत्तर गिनिया स्वरूप में $3000 प्रति किलोग्राम की दर से पेलोड ले जा सकता है। वैसे दोस्तों, भारत के इस प्राइवेट स्पेस कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। वहीं आपकी इस RLV TD को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर UN में रूस संग दोस्ती निभाते हुए वोटिंग से अलग हो गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें रूस को यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के साथ जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया गया। इस प्रस्ताव के लिए 193 सदस्य देशों में से 94 वोट पक्ष में पड़े और एक इसके खिलाफ पड़ा, वहीं 73 सदस्य ऑब्स्टेन रहे। भारत ने संघर्ष की शुरुआत के बाद से रूस की निंदा नहीं की और अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने लगातार हिंसा, शांति और कूटनीति की समाप्ति की वकालत की है। UN के इस मंच पर भारत ने फिर एक बार रूस का साथ दिया और वोटिंग से खुद को अलग रखा। यूक्रेन पर हमले के बाद संयुक्त महासभा में रूस के खिलाफ और यूक्रेन संबंधी 5 प्रस्ताव रखे गए। नया प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ रूस के गलत रवैये से हुए नुकसान, हानि या चोट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने की जरूरत को हाईलाइट करता है। ये सिफारिश करता है कि यूक्रेन के सहयोग से महासभा के सदस्य राष्ट्र यूक्रेन को हुए नुकसान, हानि या चोट पर दावों और जानकारियों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में रूस की वीटो शक्ति ने सबसे शक्तिशाली सिस्टम को कोई कार्यवाही करने से रोक दिया। हालांकि महासभा में कोई वीटो नहीं है, जिसने पूर्व में रूस के आक्रमण की आलोचना वाले 4 प्रस्ताव को अपनाया था। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के उलट महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो विश्व की राय को दर्शाते हैं। ये प्रस्ताव चेक रिपब्लिक के द्वारा को-स्पॉन्सर्ड था। उसने कहा कि रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध के कारण हुए उल्लंघन और हानि के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।